खुश आमदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाजन, हम आज स्टूडियो में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब, जो कि सक्सेस साइंटिस्ट हैं, राइटर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि किस तरीके से मोटिवेशन जिंदगी में ज़रूरी होती हैं और अगर ये ना हो तो आप अपना कोई गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है और प्लानिंग के लिए फिर मोटिवेशन और आपका मोराल जो है वो अप होना चाहिए, अदरवाइज आप बीच में ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, होप लूज कर देते हैं। और आजकल यंगस्टर्स का ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। असामी तुम डॉक्टर साहब, आपने इस हवाले से बुक्स भी लिखी हैं, गोल्स टारगेट, लीडरशिप मॉडल एंड अपनी दुनिया आप पैदा कर, मतलब किस तरीके से यंगस्टर्स को वो एक रास्ता दिखाना बहुत जरूरी होता है कि जहाँ पर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, होप लूज कर देते हैं। जी एग्जैक्टली, इसी वजह से यहाँ पर भी आपके पास आया हूँ मैं कि मैसेज ज्यादा लोगों तक कन्वे हो सके। तो हमारे यहाँ मसाइल यही है, जो डिप्रेशन है, स्टूडेंट्स बाज़ अवक़ात खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सारी जिंदगी नाकाम जीते हैं। वजह यह है कि उन्होंने अपनी लाइफ प्लान नहीं की होती, उन्हें यह नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि कैसे करना है, उन्हें यह नहीं पता कि करने के बाद क्या होगा। इस सिलसिले में मेरी वर्कशॉप या किताब जो आपके हाथ में, अहदाफ मकासद और कामयाबी, ये पाकिस्तान में दस्तियाब इस टॉपिक पर वाहिद किताब है और HEC की रिकमेंडेड, हायर एजुकेशन कमीशन ने इसे स्पेशल लेटर जारी किया है कि ये किताब जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा सर, थोड़े से पॉइंट्स अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो क्या पॉइंट्स होते हैं थोड़ा, मतलब आई एम श्योर बहुत मुश्किल होता है कि उसको सम अप करना, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है कि मैं कई यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, जब अक्सर लोगों से पूछता हूँ स्टूडेंट से कि आप एजुकेशन की बात क्या करेंगे, कहते हैं अभी डिसाइड नहीं किया, डिग्री ले लें तो फिर सोचेंगे। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको पढ़ते हुए कितना साल हो गया, कहते हैं 18 साल हो गए, 20 साल हो गए। अब मैं हैरान होकर पूछता हूँ कि 18-20 साल के बाद भी आपको यही नहीं पता कि आपने जिंदगी में करना क्या है।